नमस्ते साथियों, आप यहां पर देख पा रहे हैं विज्ञान प्रदर्शनी हेतु तैयार किया गया मॉडल जिसका नाम है ग्रास कटर मशीन। और इस मॉडल को तैयार किया है कक्षा नौवीं के विद्यार्थी काव्य प्रवाह टेमरे, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरा पिपरिया का विद्यार्थी है और इसी वर्ष इस विद्यार्थी ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया है। साथियों, इस मॉडल को विद्यालय स्तर पर चयनित किया गया है, साथ ही फिर विकास खंड और जिला स्तर पर भी इसको स्थान मिला। इसके पश्चात संभाग स्तर तक इस मॉडल की प्रस्तुति काव्य प्रवाह टेमरे के द्वारा की गई है। अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह से विद्यार्थी ने जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर इस मॉडल का प्रदर्शन किया है। साथियों, इस मॉडल को तैयार करने में विद्यालयों के शिक्षकों का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन रहा है, साथ ही विज्ञान शिक्षिका श्रीमती एस बिसेन के मार्गदर्शन में विद्यार्थी ने इस मॉडल को तैयार किया है और बहुत बेहतर तरीके से इस मॉडल का बालक के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। आइए चलते हैं और देखते हैं जिला स्तर पर एवं संभाग स्तर पर इस मॉडल का प्रदर्शन विद्यार्थी ने किस तरह से किया है। हमारे अतिथि कक्ष क्रमांक 11 का अवलोकन कर रहे हैं। पूरा देख रहेगा कि जो संबंधित शिक्षक है वो कक्षा कक्ष के भाग कर रहे अवलोकन के समय कक्ष क्रमांक 11 में हमारे साथी हैं, वो कक्ष को पूरी तरह खाली कर देंगे। शिक्षक साथी बच्चों को रहे हैं अपना ऑफिस से बेटर। तो आप शिक्षकों के लिए
साथियों, आपने अभी देखा बालक के द्वारा जिला एवं संभाग स्तर पर इस मॉडल का प्रदर्शन किया और मैं आपको संक्षेप में इस मॉडल के बारे में बताना चाहता हूं। आप यहां नीचे देखेंगे तो सबसे नीचे ये प्लेट लगी हुई है जिसके माध्यम से घास कटेगी या फसलों को काटा जा सकेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक व्हील जो कि घास या फसलों को एक साइड में गिराएगा। दोनों साइड में यहाँ पर व्हील लगे हुए हैं, इन व्हीलों को बदला जा सकता है। आप देख पा रहे हैं ये बड़े व्हील भी हैं। ठीक है, ये विद्यार्थी के द्वारा फाइल तैयार की गई थी। ऊपर देख पा रहे हैं ये घुमाने के लिए हैंडल और ये पकड़ने के लिए हैंडल है। ठीक है, तो इस तरह से इसके माध्यम से विद्यार्थी के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया और बताया गया कि चार तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। पहली बात तो जो घास पात है उसको काटा जा सकता है, इसके पश्चात फसल गेहूं चना इत्यादि को काटा जा सकता है, और फिर जो ऊंचे पेड़ मेहंदी वगैरह होती है उनको भी इसके माध्यम से काटा जा सकता है, और घर में यदि पोछा के रूप में प्रयोग करना चाहे तो भी किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे ब्रेड लगी हुई है तो इसके स्थान पर पोछा का कपड़ा ऐसा बनाया जा सकता है और इसको घुमा करके घर में साफ सफाई की जा सकती है, पोछा लगाया जा सकता है, इसको इस प्रकार घुमाते जैसा कि बालक ने पहले बताया था। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूं यह विद्यार्थी के द्वारा प्रदर्शित मॉडल आपको काफी उपयोगी लगा होगा और निश्चित तौर से विद्यार्थी आगामी वर्षों में और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।